नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार सिंह। इंडिया न्यूज़ डिजिटल में आपका स्वागत है। नोबेल शांति पुरस्कार की घोषणा हो चुकी है और ईरान की महिला को शांति पुरस्कार मिला है। वो महिला हैं नरगिस मुहम्मदी, और इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आखिरकार ये महिला हैं कौन और आखिरकार इनका जो बैकग्राउंड है किस तरह का है, ये इस वीडियो में हम बात करेंगे। ईरान के एक्टिविस्ट नरगिस मुहम्मदी जो हैं, ईरान में महिलाओं की हालत को बेहतर करने के लिए लगातार संघर्ष करती रही हैं, और मुहम्मदी ने ईरान में जिस तरह से ह्यूमन राइट्स को बढ़ावा देने के लिए, लोगों की आज़ादी के लिए लंबी लड़ाई लड़ी है और शांति का नोबेल जो प्राइज़ है वो उनको दिया गया है, इसमें उन्हें एक मेडल, एक डिप्लोमा, 11 मिलियन स्वीडिश क्राउन की रकम मिलती है। और 51 साल की जो हैं मुहम्मदी हैं, और ये मानवाधिकार और महिला अधिकारों के लिए जमकर आवाज़ उठाती रही हैं, लेकिन फ़िलहाल वह तेहरान की बेहद ख़तरनाक माने जाने वाली इवन जेल में 10 साल की सज़ा काट रही हैं। उनके ख़िलाफ़ सरकार के ख़िलाफ़ दुष्प्रचार करने का आरोप है, और पिछले 30 साल में नरगिस मुहम्मदी को उनके लेखन और आंदोलन के लिए सरकार ने उन्हें कई बार सज़ा दे चुकी है। अगर तथ्यों की बात करें तो न्यायपालिका ने मुहम्मदी को 5 बार दोषी ठहराया है और 13 बार गिरफ्तार किया गया। इस दौरान उन्हें कुल 31 साल की जेल और 154 कोड़े मारने का उनको सज़ा सुनाई गई है। मुहम्मदी के पति 63 साल के तगी रहमानी हैं, वो भी लेखक और सामाजिक कार्यकर्ता हैं, और रहमानी भी ईरान में 14 साल की जेल काट चुके हैं। तो जो जिस तरह से नोबेल शांति पुरस्कार का ऐलान किया गया है, और ये पुरस्कार नरगिस मुहम्मदी को देने के पीछे आपने देखा कि किस तरह से जो महिला अधिकार के लिए लड़ना, साथ ही साथ मानवाधिकारों की रक्षा किस तरह से की जाए, और ईरान में जो स्थिति है उससे सीधे तौर पर वहाँ पर सरकार से लोहा लेना, ये उनका मूल मकसद रहा, और इसीलिए वे लगातार जो है जेल में जाती रही और अभी जो हैं इवन जेल में अभी बंद हैं और सज़ा काट रही हैं।